विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर की सड़कों पर तीर, धनुष, भाला, टंगिया लिए सैकड़ों की संख्या में देखे गए। सरकार और प्रशासन की उदासीनता से नाराज ए पंडो कोरवा अपनी समस्याओं से अवगत कराने कमिश्नर सरगुजा के दफ्तर पहुंचे। झेलगी के समस्याओं का दस्तावेज ले ये कमिश्नर कार्यालय में अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग लेकर पहुंचे थे। हमारा मुख्य तौर से जाति वाला मुद्दा है और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको शासकीय योजनाओं को जो छात्रवृत्ति जैसे हैं, पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य है, उससे भी वंचित हो रहे हैं, आगे नौकरी पेशा से भी वंचित हो रहे हैं। और हमारा जो विभिन्न प्रकार के वनाधिकार पट्टा हैं या एट्रोसिटी एक्ट मामला, जो पिछले बार आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सनावल में चेरा जो ग्राम है वहाँ से 8 पंडो लोगों को पेड़ में सटा के मारा गया था। उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण, उनको पंडो नहीं हो, उनका सेटलमेंट नहीं होने के कारण उनको आज भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया। जिससे जाति प्रमाण पत्र बनाया क्यों नहीं जा रहा है? अब ये समस्या हमारे पास शासन के तरफ से बहुत सारी योजनाएं के सामान्य जो सरलीकरण प्रक्रिया उसके तहत बनाए जाए, लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रीय जो SDM है, तहसीलदार हैं, वहाँ के जो पटवारी वगैरह हैं या फिर सरलीकरण प्रक्रिया में जो सचिव वर्ग के लोग हैं, उनको प्रस्ताव आज तक नहीं दे रहे हैं। अब ये शासन ही बताए कि नहीं, उसमें आखिर कारण क्या है कि वहाँ के लोगों को क्यों नहीं बना। इसके अलावा आप क्या मांगेंगे आईजी से? क्या मांग है आईजी से? हम लोगों ने, चूँकि वहाँ पे हम लोगों का जो पंडो जाति लिखा हुआ था सेटलमेंट में, वो पंडो जाति को काट करके उसमें परहिया लिखा गया, मतलब उनके ज़मीनों को, हमारे जाति समाज के जो ज़मीन थे उन ज़मीनों को वहाँ भूपाभियाओं के माध्यम से उसको हस्तगत या उनसे वंचित करने का मामला चल रहा है। सरगुजा संभाग में 4,000 से अधिक विशेष पिछड़ी पंडो जनजाति के लोग 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सरगुजा संभागीय कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। दरअसल आज सरगुजा संभाग के विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हजारों की संख्या में अंबिकापुर के PG कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा हुए, जिसके बाद अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। परहिया पंडो, परहिया भुहार मामला को लेकर हम आज ज्ञापन सौंपे हैं। संभाग स्तर पंडो समाज है जी। कहां कहां से आए थे और कितने वर्षों से आप लोगों की मांग, समस्या क्या हो रही है? ये हमारा जो पंडो जो है संभाग में, अभी गोरिया में, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा में निवासरत है। बलरामपुर में पंडो का उपजाति परहिया होता है, जो पूरी टोटम होता है, और बहुत पहले ही हमारा सेटलमेंट में तीन गांव के सेटलमेंट का पंडो का काट के परहिया बनाया गया, जबकि सरनेम में था, और उनका अभी 54 में अधिकार अभिलेख में पंडो निकलता है। और अभी फिलहाल में 2 जन का पंडो लिखा था 1944-54 अधिकार अभिलेख में, 19 में उसका सत्यापित निकाला गया, पंडो लिखा था, और अभी वो परहिया कर दिया गया। मोदी जी, हम लोग पंडो परहिया ये करने के लिए 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लिखित में और मौखिक में, हम लोग सुधारने के लिए कर रहे हैं। और ऊपर से हम लोग का परहिया जो बनाया जा रहा है, जो सबूत है, उसको भी नष्ट किया जा रहा है। तो हम लोग यही कि परहिया पंडो जो बना दे रहे हैं, उसको सुधार करके, उसको आधार मान करके हमको पंडो परहिया का दर्जा दिया जाए। कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? इसका नुकसान तो अभी 70 साल पीछे हम लोग हो गए, जिला बलरामपुर के, इधर और बाकी जिलों का पंडो हमारे। आज देखिए, उनको जनरल मानते हैं, कोई भी नहीं मिल रहा उसका लाभ, और अभी वो अशिक्षा से दूर हो गया, अंधविश्वास उनमें हो गया, खून की कमी, हर चीज़, अभी जितना भी अभी समस्या हो रहे हैं पूरा अभी पंडो समाज भी मिलेगा। हमारे जो पंडो भुहार परिया के नाम से जाति नहीं बन रहा है, जिनका सेटलमेंट नहीं है कोरिया में, ओड़गी ब्लॉक सूरजपुर में, बलरामपुर जिला में, मेरा मांग है 15 फरवरी तक अगर उनको सरलीकरण प्रक्रिया से अगर जाति जारी नहीं किया जाता है, जिनका सेटलमेंट नहीं है, उनको अगर नहीं होने की स्थिति में हम लोग ना जगह जगह तहसीलों में, ब्लाकों में चक्का जाम करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में एक ही दिन करेंगे चक्का जाम, और इसका जवाबदेही जिला प्रशासन होगी। यहाँ पे माननीय कमिश्नर साहब जो तत्कालीन थे, उनके द्वारा कड़ा निर्देश था कि इनको जिनका सेटलमेंट नहीं है उनको जारी किया जाए जाति प्रमाण पत्र, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और तो हम मांग करते हैं कि 15 फरवरी हम समय देते हैं शासन प्रशासन को कि नियम का पालन करें, और ये शासन का जो छवि है वो छवि खराब न करें हमारे जिला प्रशासन लोग, और नहीं तो पंडो समाज
इससे ज़्यादा संख्या में हम लोग ज़्यादा संख्या में पदयात्रा करेंगे। ये अपना चंदा लगा करके अपना खर्चा से आए हैं। अगर अपना अपना क्षेत्र में अगर हम बोल दें तो बता रहे हैं जगह नहीं मिलेगा कहीं। सड़कों पर उतरे इन पंडो कोरवाओं की मुख्य तौर पर मांग थी कि पंडो जनजाति के लोगों को पर रिहा कर दिया गया है, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसमें पंडो और पररिहा जाति को एक किए जाए, साथ ही पंडो जनजातियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी बेहतर तरीके से मिले, इस पर गंभीरता से कार्यवाही हो। वहीं जाति प्रमाण पत्र में सरलीकरण किए जाने के बाद भी इनको इसका लाभ स्थानीय स्तर पर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा नहीं मिलने से वे काफी परेशान हो रहे हैं। इन सभी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मांगों पर विचार कर कार्यवाही की मांग की है। अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो 15 फरवरी से हर विकास खंड स्तर पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी समाज के लोगों ने दी है। जो परहिया और पंडो जो रिकॉर्ड में काट छांट किए हैं उसके संबंध में ज्ञापन सौंपे हैं, हम संबंधित जिसके लिए ये लोग ज्ञापन दिए हैं संबंधित को हम भेजेंगे। और कुछ खून की कमी की भी बात कर रहे थे कि सड़क खून पर... की कमी की बात कर रहे थे, ये तो अपने को नॉलेज में नहीं है। सिर्फ जिला प्रशासन शासन स्तर की बात है, हम कितना शासन स्तर से जो कुछ भी होना है हम तो टाइम टेबल फिक्स नहीं कर सकते, बता नहीं सकते।